आजमगढ़ में गरजे सीएम योगी। लोकसभा उपचुनाव से पहले जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की वोट अपील। समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हल्ला। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें कभी शांत ही नहीं होती हैं और अब आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी सिलसिले में अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के बिलरियागंज पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम आजमगढ़ लोकसभा सीट को हासिल करने के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के लिए जनता से समर्थन मांगा। वाहन जी को जिन्होंने धोखा दिया, वाहन जी ने उन्हीं को फिर से हाथी में बिठाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को खारिज कर चुके हैं और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, भोजपुरी के दो कलाकारों को हम लोकसभा चुनाव में 2019 में लेके आए थे। एक को मैंने गोरखपुर से लड़ाया था, श्री रवि किशन शुक्ला जी को लड़ाया था। रवि किशन का भाषण सुनते थे ना जी, रवि किशन की फिल्मों को देखा है, कितने लोगों ने देखा है? और दूसरा निरुआ जी को लेके आया था आजमगढ़ में। निरुआ के कितने लोगों ने गाना सुने हैं? सभी ने सुना है ना। और ये दोनों नचाने, जब ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, नचाने आप में से कितने रवि किशन और निरुआ पैदा हो जाएंगे। कला का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने सपा और बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिसे आप चुनते थे वो विकास तो नहीं कर पाए और आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया। जब फिर से सहारा देने की जरूरत थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़कर गायब हो गए। समाजवादी पार्टी की फितरत ही धोखा देने की है, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को काशी और गोरखपुर के विकास की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया है और ईमानदारी से किया है। संसद में चुनाव जिता करके एक खानदान को अवसर दिया, लेकिन प्रदेश में सरकार के दौरान, चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, विकास से कोसों दूर रखा। आजमगढ़ का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता था, होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में रहने का ठिकाना नहीं मिलता था, कोई व्यक्ति अपने घर में किराए में रहने के लिए तैयार नहीं था। आज आजमगढ़ को इन सभी पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से चले हैं आप में? आप में से कितने लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से चले हैं? भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनने वाली है। इसके अलावा सपा और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए सीएम ने ये भी कहा कि कोरोना के समय वो गायब थे और हमने जनता की सेवा की है। भाइयों बहनों, आपने जिन्हें सांसद चुना, कोरोना काल खंड में क्या एक भी बार यहां पर आपके सांसद आए थे? हालचाल लेने के लिए आए थे? कोरोना से बड़ा संकट नहीं हो सकता, लेकिन एक भी बार आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए। और मैं उस दौरान तीन बार आजमगढ़ आया था, तीन बार आया था ना मैं,
जिला चिकित्सालय का दौरा भी किया, मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया और उसके बाद जब लगा विकास होना है तो 2018 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था और नवंबर 21 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर दिया है। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान बरकरार है। इसके पहले शनिवार को सपा नेता आजम खान आजमगढ़ पहुंचे थे और अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की थी। इसके साथ ही सपा नेता ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर हल्ला बोला था। इस सियासी खेल में अब देखना ये होगा कि आजमगढ़ लोकसभा सीट किसके खाते में जाती है। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।